हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डी टेस्टफुल किचन। आज हम बहुत यमी पनीर वाले रोल बनाने जा रहे हैं, जो बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आते हैं। ये देखिए, हमने ऐसे आटा, जैसे आप चपाती बनाने के लिए लगाते हैं, थोड़ा सा नमक डालकर आटा लगा लिया है। इसको 15-20 मिनट रखे हुए हो गए हैं। ये हमने थोड़ा सूखा आटा डस्ट करने के लिए लिया है। एक प्याज की स्लाइस कर लिए हैं, टोमेटो के सीड निकालकर उसके स्लाइस कर लिए हैं, हाफ लेमन है, और ये हमने प्रोसेस चीज को ग्रेट कर लिया है। एक शिमला मिर्च को इस तरीके से हमने काट लिया है। ग्रीन चिली सॉस ली है। ये जो चीजें मैंने अभी आपको बताई है, ये हम रोल पर गार्निश करेंगे रोल बनाने के बाद। और तड़का लगाने के लिए हमने लिया है ये शेजवान सॉस, और शिमला मिर्च के इस तरह से चंक्स कर लिए हैं, पीसेस काट लिए हैं, प्याज को इस तरीके से काट लिया है, और पनीर के हमने इस तरह से लंबे रोल कर लिए हैं। एक चम्मच हमने देसी घी लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हमने पैन में केवल 1 टीस्पून घी लिया है, और अब उसमें हम ये डाल रहे हैं शेजवान सॉस। ये हमने 3 चम्मच ली है। जैसे ही घी हल्का सा गर्म हुआ, हमने इसको डाल दिया, ताकि घी जो है जले नहीं। अब हम हाई फ्लेम पर फटाफट इसको कुक करेंगे। ये फीलिंग बहुत अच्छी बनती है, सब बहुत लाइक करते हैं। आप इस तरीके से, हमारे तरीके से बनाकर देखिएगा, आशा करती हूँ आप जरूर पसंद करेंगे। तो ये देखिए, अब हम डाल रहे हैं इसमें प्याज और शिमला मिर्च। एक प्याज है और ये एक शिमला मिर्च है। आप सब्जियों की क्वांटिटी कम ज्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको पकाएंगे। इसमें हम नमक वगैरह कुछ नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि सॉस में सब कुछ है। फिर भी अगर कोई ज्यादा नमक खाता है तो वो ऊपर से ऐड कर सकता है, टेस्ट करके देख ले। और थोड़ा सा हम इसको क्रंची ही रहने देंगे, इतना पकाएंगे कि क्रंची ही रहे चलाते हुए, और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। और अब हम इसमें डालेंगे पनीर के पीसेस। इनको भी अच्छे से कोट करेंगे। ये देखिए कितना सुंदर ये लग रहा है, और ये रोल ना आप खाते रह जाएंगे, इतना टेस्टी है। आप हमारे तरीके से एक बार बनाकर देखिएगा। तो ये अब हमारी जो फिलिंग है वो ऑलमोस्ट तैयार है, जो रोल में हम फिलिंग पनीर वाली भरने वाले हैं। तो अब हम गैस को करते हैं ऑफ। आप देखिए बहुत सुंदर लग रही है, और इसको ठंडा होने देते हैं। लोई को हमने ऐसे तोड़ लिया है, गोल कर लिया है देखिए, और अब हम इसकी ना ज्यादा पतली और ना मोटी चपाती की तरह बेलेंगे। इसको थोड़ा बड़ा रखेंगे। और ये देखिए, ये इस टाइप से हमने इसको बेल लिया है। आप देख सकते हैं इतना मोटा है ये, ना पतला है और ना बहुत मोटा है। तवा गर्म हो गया है, और अब हम इसके ऊपर ये चपाती डाल देंगे जो रोल के लिए हमें बनानी है। इसको अब हम पलट लेंगे, और इसके ऊपर ना हम घी लगाएंगे हल्का हल्का। दूसरी तरफ भी हम इसमें घी लगा लेंगे। आप ये झटपट से बच्चों को, बड़ों को बनाकर देख सकते हैं। कहीं जा रहे हैं पिकनिक में तो भी आप ये रोल तैयार करके ले जा सकते हैं। पलट लेंगे। ये देखिए, बस इतना हमें सेकना है। हाई फ्लेम पर ही हमें सेकना है इसे फटाफट, ताकि ना वो सख्त ना हो रोटी। तो ये हमारा बेस तैयार है। वैसे आप कच्ची सेक के रख सकते हैं, लेकिन हम अभी बना रहे हैं तो हमने अभी तैयार कर ली है रोटी। तो ये दूसरी रोटी भी हमने ऐसे डाल दी है, और इसी तरह से हम सारी रोटियां सेक लेंगे। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो तो आपको मैंने एक बता दी है, और दो रोल मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। देखिए, ये हमने स्टफिंग को प्लेट में निकालकर ठंडा कर लिया है, और ये जो है हम इसमें अब नमक डालेंगे थोड़ा सा स्वाद के अनुसार, जो सब्जियां कटी हुई हैं। थोड़ा चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला स्वाद के अनुसार डालेंगे। इसमें आप कम ज्यादा कर सकते हैं।
हाफ हम लेमन डालेंगे, लेमन जूस डाल देंगे इसमें, प्याज में। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। इसके अलावा हम इसमें कोई मसाले ऐड नहीं कर रहे हैं। टमाटर को हमने अलग रख लिया है और ये दोनों चीजें मिक्स कर ली हैं। अब हमने ये रोल बनाने के लिए चपाती दो रख ली हैं और इनके ऊपर हम इस तरीके से अब ये पनीर के पीसेस और प्याज कैप्सिकम इस तरह से डालेंगे। और आप देखिए सब्जियां, पनीर, बच्चे सब खा जाएंगे। आप ऐसे सब्जी और चपाती बना के देंगे ना, कभी नहीं खाएंगे, बट रोल होगा तो वो अच्छे से खा लेते हैं। तो हम आपको दो रोल बनाकर दिखा रहे हैं, साथ साथ लंबे पीसेस होंगे आपके पनीर के। अब हम इसके ऊपर ये जो सीजनिंग करके हमने सैलेड बनाई है वो हम डाल रहे हैं, गार्निश कर रहे हैं। और यकीन मानिए बहुत टेस्टी लगते हैं। मैं बार बार ये रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मैंने इनको खाया है और वास्तव में बहुत अच्छे हैं। टमाटर लगा देंगे ऊपर से, ऊपर से डालेंगे हम ये ग्रेटेड चीज। देखिए कितना ये फिलिंग हो गया है। एक ही रोल बहुत बहुत हैवी हो जाएगा, एक रोल मुश्किल से खाया जाता है। और थोड़ा सा हम ऊपर से डालेंगे ग्रीन चिली सॉस, थोड़ी थोड़ी स्प्रिंकल करेंगे और इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। ये देखिए क्या रोल है, गरम गरम चपाती के ऊपर फ्रेश हमने इस तरीके से ये रोल तैयार किए हैं। और ये देखिए पूरा फुल ऑफ वेजिटेबल्स, चीज, और ये देखिए यमी से रोल बनकर तैयार हैं। आशा करती हूँ आपको पसंद आएंगे। और हम जल्दी से करते हैं इनकी प्लेटिंग। और ये देखिए हमारे यमी से रोल बनकर तैयार हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी, जरूर ट्राई कीजिएगा।